नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। कल है जन्माष्टमी, इसीलिए आज भगवान के सारे बर्तन मैंने धो के रख दिया है, साफ सुथरा एकदम। और इधर मेरे जो लड्डू गोपाल है उनका हम मेकओवर करेंगे, क्योंकि उनके जो कलर थे आप पहले देख चुके हैं, उनका कलर बहुत ही ख़राब हो चुका था, तो मैंने पूरा एकदम ब्लैक कलर के पेंट से उनको रंग दिया है ताकि दिखने में और अच्छा लगे। और वैसे भी किशन भगवान जो होते हैं लड्डू गोपाल, उनके जो असली रंग है वो तो काले ही थे, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा ये काला रंग ही पसंद है उनके लिए। और अभी यहाँ मैं इनको एक कटोरी में रख रही हूँ, क्योंकि कल इनका जब एक टाइम आता है जिस टाइम पे लगता है जन्माष्टमी, उस टाइम पे हम लोग किशन भगवान का मतलब लड्डू गोपाल का उनका जन्म करवाते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ, मतलब बहुत जगह पे अलग अलग टाइप के करते हैं, लेकिन मैं करती हूँ ऐसे कि एक कटोरी में फूल वगैरह पूरा डाल के मतलब उनको एकदम ढक देते हैं। कोई कोई लोग फल से भी ढकते हैं, फूल से भी ढकते हैं, तो अलग अलग टाइप में सब होता है नियम। तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, तो मैं पूरा एकदम फूल से ढक देती हूँ, क्योंकि मेरा लड्डू गोपाल बहुत छोटा है, तो उतना बड़ा कोई मतलब कटोरी या फिर कुछ लगता नहीं है, तो छोटा सा जगह में मेरा हो जाता है। तो इसीलिए छोटा सा एक कटोरी में मैंने उनको रख के उनको सुला के फिर एकदम फ्लावर से ढक दिया है, और उसके ऊपर से एक चुनरी भी ढक दिया है। और ये जो आप खीरा देख रहे हैं इसको मतलब इसके मदद से कल नाल छेदन होगा उनका, इसको आप देखेंगे वीडियो में मैं कैसे करूँगी आपको बता दूँगी मैं। तो इससे मैं मतलब जन्माष्टमी का शुरुआत होगा। तो इधर मैं छप्पन भोग की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इस साल मुझे पता नहीं, मुझे मन हुआ कि छप्पन भोग बनाऊँगी, तो दुकान से मैंने बोला कि हम लोग का जो शॉप है वहाँ से मैंने बोला कि मुझे मेरे लिए मतलब भगवान के लिए अलग से चूल्हा एक लेके आओ और उसी से मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी मैं उसको साफ़ कर रही हूँ, साफ़ करने के बाद थोड़ा सा जो तुलसी का जो दल होता है उनको रख रही हूँ शुद्ध करने के लिए, मैंने गंगा जल से पोंछ लिया था। और अभी मैं बना रही हूँ ये सब जो काट रही हूँ ये सब मैं फ्राई करूँगी एकदम। पहले होगा बैंगन, फिर परवल, और उसके बाद थोड़ा सा आलू काटेंगे। आलू आलू का जो सब्ज़ी बनेगा उसके लिए भी काटेंगे, और पनीर की सब्ज़ी के लिए भी थोड़ा थोड़ा काट के रख देंगे। और इधर मैंने टमेटो का जो पेस्ट है उसको भी करके रखा है, और अदरक का पेस्ट भी। मैंने मिक्सी का यूज़ नहीं किया है, जो ग्रेटर होता है उससे मैंने किया है, क्योंकि मिक्सी में तो मतलब प्याज लहसुन भी ये किया जाता है, मतलब पेस्ट किया जाता है, तो मैंने ग्रेटर मंगवाया था अलग से दुकान से। और यहाँ मैं पनीर काट रही हूँ, पनीर काट के रख दूँगी, सब कुछ काट के मैं पहले रख दूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, तो उसमें क्या होगा ना थोड़ा आसानी होगा। तो मैं ना ये वाला चूल्हा जला नहीं पा रही थी, तो मैं दुकान से एक लड़का को बुला के उसके बाद मैंने चूल्हा को जलवाया, क्योंकि मुझे बहुत पता नहीं बहुत डर लगता है। तो मैंने एक बार में फ्राई कर दिया था, लेकिन मुझे एक बार में फ्राई नहीं करना था। तो इधर मैं बना रही हूँ अभी पनीर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले जैसे प्याज नहीं सॉरी अदरक और टमाटो को पेस्ट कर लिया, और उसके बाद उसको डाला, मसाले को भूंजा, उसके बाद हल्दी नमक यही दोनों दिया और कुछ इससे ज़्यादा नहीं दिया, हरा मिर्च और जो थोड़ा सा फ्रोज़न पीस था उसको मैंने डाल दिया, और आलू भी डाल दिया। आलू मैंने थोड़ा मतलब इधर से अलग कर दिया, आलू का जो सब्ज़ी बनेगा उसके लिए, क्योंकि बार बार कितना करना है तो एक बार में हो जाएगा उसमें। तो पनीर भी डाल दिया, तो हो गया। जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतना सारा खाना बनाना है छप्पन भोग में। तो अभी बनेगा आलू का सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी में जैसे खड़े गरम मसाला, फिर टमाटर हो गया आपका, अदरक सब पेस्ट जैसे डालते हैं वैसे, उसको फ्राई करके उसके बाद हमें जो आधा जो बॉयल किया हुआ आलू है, और इधर में थोड़ा सा ग्रीन पीस मैंने डाल दिया, क्योंकि उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो पहले थोड़ा सा उसको बॉईल करके। और इधर मैं बना रही हूँ खिचड़ी। ये जो दाल है मतलब किसी भी तरह बॉईल ही नहीं होना चाह रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने जो गोबिंद भोग चाल जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में, उसको भी डाल दिया, क्योंकि उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इधर छोंक लगाने के लिए मैंने डाल दिया 5 फोड़न, और अदरक का मतलब कूटा हुआ अदरक, और थोड़ा सा हरा मिर्च, और फिर मैंने
खिचड़ी डाल दिया, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था वैसे ही, मतलब देसी घी का बना हुआ है और भी टेस्ट अच्छा, मतलब उसकी जो खुशबू है ना वही बहुत अच्छा आ रहा था। तो फिर इतना ज़्यादा घी घी हो गया था, मतलब क्या बताएं। तो इसके बाद हम लोग बना रहे पुलाव, वो भी वो वही गोविंद भोग राइस से ही होगा क्योंकि अभी पूजा का भोग बन रहा है इसीलिए। तो पहले मैंने काजू और किशमिश को थोड़ा सा फ्राई करके और उसके बाद जो भीगा हुआ था चावल उसमें थोड़ा सा हल्दी, उसमें अदरक और यही दोनों मिला के रख दिया था बहुत देर तक, थोड़ा सा नमक मिला के। और बाकी मैंने बहुत कुछ बनाया था, चटनी पापड़, लेकिन उस टाइम पे ना पता नहीं मेरा फ़ोन मैंने मतलब भूल गई। तो अभी कृष्ण भगवान जी का जन्म हम लोगों ने करवाया है, पहले उनको उठा के उनका पंचामृत से नहलाया जाता है और उसके बाद मैं नाल छेदन करती हूँ, उससे पहले भी करती हूँ कभी कभी, और इस बार स्नान करवाने के बाद मैंने नाल छेदन किया है। तो अभी उनको पूरा साफ़ सुथरा करके फिर उनको बैठाएंगे, कपड़ा वपड़ा पहनाएंगे, तो अभी देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहे हैं। और उसके बाद हम लोग, ये देखिए आप लोग नाल छेदन कर रहे हैं, इसको नाल छेदन बोलते हैं, उस जो टुकड़ा है छोटा वाला उसको तुलसी जो पौधा है उसमें डाल दिया जाता है। और ये जो मैंने डेकोरेशन किया है, पता नहीं इस बार मुझे क्या हुआ, मैंने बोला कि डेकोरेशन करेंगे, पिछला बार नहीं किया था इतना डेकोरेशन, इस बार किया है। तो ये जो लड्डू गोपाल का आप लोग ड्रेस देख रहे हैं ना, ये आप लोग देख सकते हो कितना कितना प्यारा है। मैंने अपने दीदी से बोल के वहाँ पे एक बनाते हैं, उनसे मैंने ये हैंडमेड जो कपड़ा है उसको बनाया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, इतना मतलब यूनिक टाइप का ना मार्केट में नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि और भी मैं लूँगी बाद में, जैसे दुर्गा पूजा के लिए दिवाली के टाइम पे। और ये जो कर्ली वाला हेयर है ना मेरे, जो लड्डू गोपाल है उन पर ज़्यादा सूट कर रहा है। तो इनका जो पगड़ी है ना एकदम श्रीनाथ स्टाइल के है, मतलब पूरा गुजराती स्टाइल के, मुझे बहुत पसंद आया। मार्केट से मैं फूल लाई थी, वो सब फूल से अभी मैं सजा रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिए अभी मैं क्या क्या करती हूँ। तो अभी मैं 56 भोग लगा रही हूँ, सब कुछ डेकोरेशन हो जाने के बाद, भगवान को सजाने के बाद, और डेकोरेशन अच्छा हुआ इस बार। और जो 56 भोग है मैंने सोचा था कि एक बड़ा थाली में होगा छोटा छोटा, लेकिन हुआ नहीं, चलो कोई भी, लेकिन अच्छा हुआ। तो अभी मैं तुलसी का जो पत्ता है वो दे रही हूँ भोग के ऊपर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 56 भोग में क्या क्या था मुझे याद भी नहीं है, कुछ कुछ जो मैंने बनाया था वही याद है। और उसके साथ मैंने चॉकलेट दिया था, और जो मेन होता है माखन मिश्री वो भी भोग के लिए लगाया था मैंने, वो मतलब बाहर से ख़रीद के लाई थी मैंने माखन और मिश्री को मिक्स करके, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो बर्फ़ होता है वो होता है फ्रिज में, वो मैं यूज़ नहीं कर सकती इसीलिए बाहर से ही मंगवाना पड़ा। और फल था, सब कुछ मिला के 56 भोग था। तो इस बार का जो जन्माष्टमी है मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा गया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा डेकोरेशन से लेके सब कुछ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट किया है, और ये वाला जो आपको ब्लॉग है मेरा कैसा लगा, तो डेकोरेशन कैसा लगा सब कुछ मिला के। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।